सो वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसा आपने वीडियो में देखा रहेगा, दिस इज अ वीडियो अबाउट हाउ यू कैन ड्रॉ आईज फ्रॉम डिफरेंट एंगल। सो आई का कोर क्या है? आईबॉल। आईबॉल का बेसिक फॉर्म क्या है? स्पीयर। सो स्पीयर में हमने एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ की है, जैसे हम पहले भी आपने मेरा वीडियोज में दिखा रहेगा, एंड वो जिधर इंटरसेक्ट होते हैं उधर हमने प्यूपिल ऐड कर दिया। अभी आई में हमको एक चीज़ याद रखना है, जो भी हमारा आईलैशेस है या आईब्रोज है वो आईबॉल का स्पीयर है, उसका फॉर्म फॉलो करता है बहुत ज़्यादा, एंड उसमें वो फॉर्म फॉलो करता है, एंड उसमें स्कल के वजह से थोड़ा वॉब्स एंड ट्विक्स होता है, वो चीज़ें भी हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पर इसमें मेजर चीज़ हमको ध्यान रखना है कि कुछ भी हो वो हमको आईबॉल का स्पीयर है उसके अराउंड चीज़ें रैप करनी है। बहुत सी बार क्या होता है कि हम एनाटॉमिकल डिटेल्स में उसका बेसिक फॉर्म है जो आई का, जो आईबॉल है, स्पीयर है, वो भूल जाते हैं। उसके वजह से क्या होता है, हम जो भी आईज ड्रॉ करते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैट रहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा शेडिंग वगैरह रहता है और अच्छा भी रहता है, पर इन द एंड दैट लीड्स टू अ फ्लैट आई ड्रॉइंग। अगर आपका ड्रॉइंग ही फ्लैट है तो उसको मतलब नहीं है, आप कितना भी अच्छे से शेडिंग करो वो फ्लैट ही दिखेगा। दिस इज जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप केक बना रहे हो और आपने उसके ऊपर बहुत अच्छा आइसिंग किया, पर वो केक का जो बेसिक फॉर्म है जैसा रेक्टेंगल हो गया या फिर सर्कल हो गया वो ठीक नहीं है, तो उसके आप ऊपर आप कितना भी अच्छा आइसिंग करो वो अच्छा नहीं दिखेगा। सो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे जो आइज ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ करना सिखाते हैं, एंड वो बेसिकली शेडिंग रहता है और उससे आपको इतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। हाँ, वो बहुत प्रीटी ड्राइंग्स बनाते हैं, पर वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, एक आर्टिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा है जब भी वो बना रहा है ड्राइंग आईज का, तो वो आपको नहीं दिखा पता चलेगा, आपको जो शेडिंग दिखेगा और उससे आप कुछ नहीं सीख पाओगे। वो क्या आउटपुट निकाल रहा है उसके लिए आपको पता चलना चाहिए कि वो क्या इनपुट डाल रहा है। सो ये इनपुट है कि आप उसको अच्छे से ड्रॉ करो, उसका एनाटॉमी अंडरस्टैंड करो, और उससे भी पहले आप उसका बेसिक फॉर्म्स अंडरस्टैंड करो। ये एक रीज़न है कि बहुत सारे लोग इतने साल ड्रॉ करने के बाद भी आपको लगेगा इसने इतना सारा ड्राइंग किया, पर आप उसका जो फर्स्ट ड्राइंग देखोगे और जो उसके लेटेस्ट ड्राइंग देखोगे उसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, या फिर दिखेगा भी तो वो जस्टिफाई नहीं करेगा वो पीरियड में कि वो 4-5 साल में इतना ही ग्रो क्यों किया और वो इससे ज़्यादा ग्रो क्यों नहीं किया वो पर्सन, क्योंकि उसने बेसिक फॉर्म्स नहीं सीखे, उसने फंडामेंटल्स के बारे में ध्यान नहीं दिया। जब भी आप कोई भी ड्राइंग देख रहे हो आपके दिमाग में वही चलना चाहिए कि इसका फंडामेंटल्स क्या है। इवन दो मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग है तो उसके ऊपर का जो डिटेल्स है, अगर आप जस्ट डिटेल्स देख रहे हो कि वो कितना रियलिस्टिक देख रहा है, तो आप जस्ट उसके ऊपर का आइसिंग देख रहे हो, जैसा केक के ऊपर आइसिंग है वैसा ही देख रहे हो आप, सिर्फ आइसिंग देख रहे हो। पर अगर आपको अच्छा केक बनाना है तो आपको उसका बेकिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बाद में उसने लेयर्स कैसे लगाए वो देखना पड़ेगा, वैसे ही ड्राइंग का है। अगर आप सिर्फ डिटेल्स देख रहे हो तो आप कुछ नहीं सीखोगे, पर अगर आप जब भी एक पेंटिंग देख रहे हो, ड्राइंग देख रहे हो, आप देखो कि उसने कंपोजिशन कैसा किया है, इसका एनाटॉमी क्या है, इसने पर्सपेक्टिव कौन सा यूज़ किया है इसमें, वो पेंटिंग को ब्रेक डाउन करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन जस्ट आप डिटेल देखते बैठो। और इस टाइम मैं क्रॉस हैचिंग यूज़ कर रहा हूँ। क्रॉस हैचिंग एक ट्रेडिशनल टेक्निक है, पेन एंड इंक टेक्निक, जो बरसों से आर्टिस्ट यूज़ करते आ रहे हैं, एंड आई फील लाइक जो ड्रॉ इलस्ट्रेशन है जो मुझे रियलिज्म के नज़दीक लेके जाने हैं, या फिर जिसमें मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं है ज़्यादा, लाइक साइफाई नहीं है, इट इज़ मोर लाइक एक ऑब्जेक्ट का ड्राइंग कर रहा हूँ या फिर इलस्ट्रेशन बना रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट का, या फिर नेचर का कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं रियल लाइफ से, तो मैं क्रॉस हैचिंग यूज़ करता हूँ एज वो एक बहुत अच्छा उसको लुक देता है, एक ट्रेडिशनल एंड ऑथेंटिक लुक देता है क्रॉस हैचिंग। एंड क्रॉस हैचिंग में आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स ऐड कर पाते हो, पर ध्यान रखना कि अगर आप डिटेल्स पे पहले फोकस करोगे
किसी भी मीडियम में, तो आपका जो ड्राइंग है आप प्रोपोर्शंस वगैरह जज नहीं कर पाओगे। So right now I'm going to time lapse this video and you can just sit back and enjoy me doing cross hatching. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा उससे।